दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होती हैं जिसे अगर आप अपने फोन में बंद कर देते हो ना तो आपके फोन की बैटरी 3 से 4 दिन तक चलने लग जाएगी। अक्सर दोस्तों मैंने देखा है लोग अपने फोन की बैटरी को बचाने के लिए कितने सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो सब करने की जरूरत ही क्या है जब आपके फोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर ना दोस्तों इतने हिडन सेटिंग दिए गए हैं जिसमें दोस्तों आप बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें अपने फोन में कर सकते हो जो इम्पॉसिबल चीजें हैं। जैसे कि आप अपने फोन की बैटरी को 3 से 4 दिन तक चला सकते हो सिर्फ डेवलपर ऑप्शन के अंदर आके कुछ ऐसी हिडन सेटिंग करके। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको वही बताने वाला हूं कौन कौन सी सेटिंग आपको डेवलपर ऑप्शन में बंद करनी है, कौन सी सेटिंग आपको चालू करनी है, उसके बाद आपके फोन की बैटरी 3 से 4 दिन तक चलने लग जाएगी। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम फोन की सेटिंग को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे सिस्टम सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है एकदम नीचे। अगर आपके फोन में डेवलपर सेटिंग अभी तक ऑन नहीं है तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन के अबाउट सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये जो अबाउट फोन होता है इसके अंदर आओगे ना दोस्तों तो आपको चले जाना है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में एंड यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्ड नंबर या फिर अगर आपके पास एमआई या फिर शाओमी का डिवाइस है ना तो आपको यहाँ पे दोस्तों एमआई यूआई वर्जन देखने को मिलेगा जिसपे बस 7 बार आपको टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपके फोन का जो डेवलपर सेटिंग है ना ये ऑन हो जाता है। तो हमारे फोन में ये पहले से ही ऑन कर रखा हूं, यहाँ पे आप देख लीजिए। अब इसके अंदर दोस्तों जो पहली सेटिंग है वो दोस्तों आपको नीचे ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों नेटवर्किंग वाले ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है जिसका नेम होता है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। आप यहाँ पे देख लीजिए ये एक ऐसी सेटिंग होती है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है एंड इसके नीचे आप देखोगे साफ साफ लिखा गया है रिड्यूसेस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। अगर हम इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो ये सेटिंग दोस्तों हमारे फोन के अंदर क्या करेगा, जो बैटरी की ड्रेन प्रॉब्लम है उसे खत्म कर देगा यानी कि कम कर देगा। उसके साथ साथ जो हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस है उसे और ज्यादा बेहतरीन कर देगा। तो आप समझ रहे हो ये सेटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आके यही सेटिंग को यहां से ऑन कर लेना है। कई लोग इसके बारे में मतलब कि पता ही नहीं होता डेवलपर ऑप्शन के अंदर कोई ऐसी सेटिंग भी उपलब्ध है। तो ये पहली सेटिंग हो गई। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी सेटिंग है वो भी यहां पे हमें देखने को मिल जाती है। आप यहां पे देख सकते हो ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस, ये दोस्तों आपके फोन में ऑन होती है। ये सेटिंग अगर आप ऑन करके रखते हो तो आपके फोन की बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगी यानी कि खत्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहां पे आपकी जो सभी एप्लीकेशन है ना दोस्तों वो आपके फोन की ग्राफिक्स को इतना ज्यादा हाई परफॉर्मेंस में यूज करते हैं कि आपके फोन की बैटरी देखते ही देखते खत्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब आप चाहते हो अपने फोन की बैटरी ज्यादा से ज्यादा बचाना तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपको ये सेटिंग को बंद कर देना है। इस सेटिंग को कभी ऑन ही नहीं करना है। जब आपको अपने फोन को हाई परफॉर्मेंस में लाना हो तब इस सेटिंग को ऑन करना, उससे पहले दोस्तों आप इस सेटिंग को बंद करके रखिए अगर आप अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक चलाना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग की। तो यहां पे थोड़ा सा आप नीचे आओगे ना दोस्तों तो आपको यहां पे देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। ये दोस्तों हम सभी के फोन के डेवलपर ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, तो आपको इसे बंद कर देना है। इसे बंद इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों जब भी आपके फोन में अपडेट आता है ना वो आपके फोन के लिए सही है या फिर नहीं ये जाने बिना ही आपका फोन अपडेट कर देता है। ऐसे में दोस्तों आपके फोन की बैटरी पे सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि अगर अपडेट सही नहीं होगा तो बैटरी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगी, सही से चार्ज नहीं होगी तो बैटरी की जो हेल्थ है वो एकदम खराब हो जाएगी। तो हमेशा दोस्तों इसे बंद करके रखो, जब आपको लगे कि हाँ अपडेट सही है मैनुअली आप अपडेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक को आपको इसे जो है बंद करके रखना है। तो ये हो गई गाइस तीसरी अपडेट। उसके बाद बस आपको यहां से नीचे आना है। नीचे आओगे दोस्तों तो आपको जो चौथे नंबर की सेटिंग है वो देखने को मिल जाती है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आप देख लीजिए जिसका नेम होता है दोस्तों बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ये जो लिमिट है दोस्तों ये हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट करके रखते हैं जिससे क्या होता है हमारे फोन के बैकग्राउंड में अनलिमिटेड चीजें जो है रन करती रहती है जिससे हमारे फोन की बैटरी बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है। तो आपको सिंपली कर क्या देना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके फोन के बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस ही नहीं चलेगा जिससे दोस्तों आपके फोन की बैटरी कितना ज्यादा सेव होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो फोर्थ नंबर की सेटिंग है ये आपके लिए बहुत ज्यादा वीआईपी नंबर की सेटिंग है, तो इसे जरूर से जरूर आपको अपने फोन में कर लेना है। अब यहीं पे दोस्तों हमें फिफ्थ नंबर की सेटिंग भी देखने को मिल जाती है जो है दोस्तों डोंट कीप एक्टिविटीज। आप यहां पे देख सकते हो अक्सर दोस्तों हम कोई भी काम कर रहे होते हैं अपने फोन में एंड जैसे हम बैक आते हैं तो वो काम दोस्तों कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक हम उसे बंद नहीं करते। लेकिन अगर आप ये सेटिंग ऑन
कर दोगे। जैसे कोई काम आप अपने फोन में कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जैसे आप उसे छोड़ दोगे वो वहीं को वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहीं को वहीं खत्म हो जाएगी, जिससे दोस्तों आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा सेव होगी। यानी कि जब आप कोई काम करोगे तो एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन आप जैसे उसे बैक कर दोगे या फिर उसे हटा दोगे तो ऐसे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे अगर आप कर लेते हो, मतलब कि इस वीडियो में मैंने आपको टोटल कितनी सेटिंग बताई, 5, ये 5 सेटिंग अगर आप कर लेते हो तो आपके फोन की जो बैटरी है ना भाई, आराम से दोस्तों 3 से 4 दिन तक चलने वाली है। आराम से आप अपने फोन को यूज कर सकते हो, वो भी लंबे समय तक एक बार चार्ज करके। तो आई होप गाइस आपको ये 5 सेटिंग डेवलपर ऑप्शन की पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।